असली न्यूज के नाजरीन आदाब। कोरोना वायरस का कहर 150 से ज़्यादा मुल्कों में फैल चुका है, इनमें भारत भी शामिल है। लोगों को सलाह दी जाती है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और हाथों को बार बार धोएं, डॉक्टरों की सलाह पर चलें। इसके साथ ही चिकन और मटन खाना भी सेफ है, उसे हाइजेनिक तरीके से साफ सुथरे ढंग से बनाया खाया जाए। आपका नाम? फैसल नाम है। फैसल जी, आप चिकन की सप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं? लोकपुरी में, ओखला में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई वायरस नहीं है, डेली का काम है हमारा ये चिकन का। तो क्या चिकन की सप्लाई में कोई कमी आई? नहीं जी, नहीं कोई कमी नहीं, और काम बढ़ गया हमारा, डबल हो गया। चिकन खाना सुरक्षित है? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित है, मैं डेली खाता हूँ। मेरा नाम जी आसिफ है। आसिफ जी, इन दिनों सलाह दी जा रही है कि चिकन ना खाएं, इस बाबत आपका क्या कहना है? कोरोना वायरस फैल रहा है। सब कुछ नहीं है जी, चिकन में कोई दिक्कत नहीं, चिकन एकदम बिल्कुल बढ़िया है, और बढ़िया के साथ साथ हम सफाई का भी बहुत ध्यान रखते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा है एकदम। अंकल जी, अंडे खाने से कोई दिक्कत नहीं है? देखो मैं भी रोज खाता हूँ, और अंडे खाने से ना सेहत बढ़ती है, और अंडे खाओ, रोज खाओ, अंडे से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सही से बिक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अंडे से, अंडा और मुर्गे में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब अफवाह है, अफवाह फैला रहे हैं। समीर जी, इन दिनों सलाह दी जा रही है कि चिकन खाना सही नहीं है, इस बाबत आपका क्या कहना है? इस बात पे मेरा ये कहना है कि चिकन खाना कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारे पास जो भी चिकन बाजार से जो भी चिकन आ रहा है, अगर कोरोना वायरस या किसी भी तरीके की बीमारी होती तो हमारे दुकान पे चिकन नहीं आता, और चिकन में किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, ये केवल एक अफवाह के तौर पे हो रही है। अगर ये इसमें अगर बीमारी होती तो सरकार इसे पहले ही बैन कर चुकी होती और इस पर एक सक्रिय भूमिका निभाती। तो आप साफ सफाई का किस तरीके से ध्यान रखते हैं? हम साफ सफाई पे जो हमारी बर्तन हो गए, हमारे जो खाने बनाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, और जैसे कि चिकन हो गया, इनके साफ सफाई पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की बीमारी हमारे चिकन या किसी भी तरीके की जो हम गतिविधि करते हैं उसमें किसी तरीके की बीमारी का उत्पन्न नहीं हो पाता। मेरा नाम इतरीश है। इतरीश जी, इन दिनों सलाह दी जा रही है कि कोरोना वायरस के चलते चिकन ना खाया जाए, आपका क्या कहना है? बीमारी नहीं है सर, हम तो लैग भी सब चिकन का काटते हैं हाथों हाथ, ताकि सफाई साफ सुथ हर चीज़ बढ़िया है। 20 साल पुरानी दुकान है हमारी, आज तक कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं है सर। तो चिकन खाना सही है अभी? सही है, कोई गलत नहीं है। इस वक्त अगर बीमारी होती तो हमें होती, हम चिकन लैग रोज काटते रोज देखते हैं। आपका नाम? निसार अहमद। निसार जी, इन दिनों सलाह दी जा रही है कि चिकन वगैरह ना खाया जाए, इस बाबत आपका क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं है, खाने में कोई तकलीफ नहीं है, हमारे देश में कोई ऐसा कोरोना वायरस नहीं है, और हम लोग साफ सफाई को वैसे भी ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। तो आप किस तरीके से चिकन की साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? सब धोने का हो गया, रखने का हो गया, पकाने का हो गया, बनाने का हो गया, सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हम। साफ सफाई बहुत जरूरी है, लड़कों को भी, स्टाफ को पूरा समझा रखा, पूरा साफ सफाई ध्यान देना है। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने खान पान के बारे में पूछा था कि भाई कोरोना वायरस के चलते या क्या हम लोग मीट या चिकन मटन वगैरह और चीज़ों को में कुछ परहेज करें, या उन लोगों को डर समाया। तो साइंटिफिकली आपको बता दें, इसमें कोई डर नहीं है, आराम से लोग चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सब वेल कुक्ड खाने हैं, इसमें कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं। और ये आपको और बता दें कि लोग ये पैनिक लोगों में पैदा कर रहे हैं, घबराहट पैदा कर रहे हैं। अब तक 180,000 लोगों को दुनिया में हुआ, जिसमें 65,000 लोग ठीक हो चुके हैं, उनको छुट्टी दे जा चुकी है, इसलिए परेशान बिल्कुल मत हो। और खाने पीने में तो कोई इसमें कोई रोक नहीं, जैसे और खानों में सफाई रखना चाहिए, इसमें भी थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए।